नहीं यार, आपकी जिंदगी में कैसा? पहले अपनी पिक्चर पाने वाली आवाज में बात करूं? हाँ, वैसे बोलना, मजा नहीं आ रहा है। ओके, फराह के बेटे के लिए पिक्चर पांडे। क्या बात है ये। एक्चुअली फराह मुझे रात को फोन करती कई बार कि मेरे बच्चे सो नहीं रहे हैं। फराह किस किस क्या क्या बोल रहे हो यार? नहीं, बच्चों के लिए मर्दों को फोन कर रही है तू यार। फिर मुझे जोर से फोन में चिल्लाना पड़ता है, लाउडस्पीकर में लगाती है और मैं अपने घर से जोर से चिल्लाता हूँ पिक्चर पांडे और फिर बच्चे सोते हैं। व्हाटएवर वर्क्स फॉर। एनीवे, हैप्पी न्यू ईयर। यस डार्लिंग। अरे प्लीज मेरा आंसर। अरे हाँ, बच्चों को पहले बच्चे का करना। अच्छा हाँ, प्लीज बच्ची है। या सो आई ओके, सो आई विल फिनिश ऑल द आंसर्स विद पिक्चर पांडे एंड देन आई विल डांस विद यू। या व्हाट्स योर नेम बेबी? आयशा। ओके यस, देन डोंट यू वांट अभिषेक टू डांस विद यू? या मोसनी, वी We'll do a little dance after I finish. बोलो। अब तो तूने पोल खोल दिया कि मैं रात को देखो फोन करती हूँ। Thank you. माइक तो दो उसको वापस। माइक मांडवी has मांडवी has taken away all the mics. हाँ सुनो। जी आप please again. Happy New Year हर इंसान की जिंदगी में, क्योंकि देखिए अभी तो 300 करोड़ बनने वाले हैं, उसके बाद तो आप लोग बात करेंगे ही और प्रमोशन में जाएंगे। उसके पहले मैं पूछ लेता हूँ, आते लोगों काम कंप्लीट कर देता हूँ मैं यहाँ पर, कि हैप्पी न्यू ईयर आपके हिसाब से कब बहुत जबरदस्त रहा? मेरी जिंदगी का सबसे इम्पोर्टेंट हैप्पी न्यू ईयर यही रहा है। बड़े साल से इंतजार था कि कब ऐसा साल हो, बट आई थिंक ऑल थैंक्स टू फराह एंड शाहरुख हु गेव मी द मोस्ट इम्पोर्टेंट ईयर ऑफ माय लाइफ। अभिषेक, अभिषेक सेम क्वेश्चन, व्हाट वाज द क्वेश्चन? वेल आई एम प्रीटी श्योर फॉर एवरीबॉडी ऑन दिस डायस दैट दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। सब लोगों ने बहुत मेहनत की है इस फिल्म पे एंड वी आर ऑल इमेंसली प्राउड ऑफ द फिल्म। एंड जैसे कि शाहरुख ने पहले भी कहा, दैट आई डोंट थिंक एनीबॉडी वांट्स टू लेट द फिल्म गो, बट इट हैज टू बी रिलीज्ड एंड आई थिंक इट इज गोइंग टू बी अ हैप्पी न्यू ईयर फॉर एवरीबॉडी। एंड द जेंटलमैन ओवर देयर हु आस्क्ड अबाउट व्हाई वी आर रिलीजिंग ऑन नॉट ऑन न्यू ईयर, दिवाली इज द स्टार्ट ऑफ अ न्यू ईयर, सो इट इज गोइंग टू बी अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। दीपिका। There and then, you don't wait for New Year's. शाहरुख, आपने एक बार मुझसे प्रॉमिस किया था हैप्पी न्यू ईयर के समय कि मैं हर साल 4 फिल्में करूंगा, लेकिन आपने नहीं किया। हम लोग वेट कर रहे हैं जितनी जल्दी जल्दी फिल्में करने, एंटरटेन कर रहा हूं को। मैं बहुत कोशिश कर रहा हूं कि एक फिल्म मैं एक साल में खत्म कर लूं। एक तो मेरी वजह से ही, मैं कुछ 11 बजे सेट पर पहुंचता हूं तो सब लेट हो जाते हैं यार, इट्स जस्ट इम्पॉसिबल। आजकल फिल्में इतनी बड़ी हो गई हैं माशाल्लाह, इतनी मेहनत करनी पड़ती है और सब जो हैं प्रोफेशनल हैं, साथ में काम करते हैं, एक फिल्म एट अ टाइम। 4 तो अब मैं कभी नहीं कर सकूंगा मुझे लगता है, अनलेस पीपल स्टार्ट शूटिंग फिल्म्स इन अबाउट 5 days, विच इज इम्पॉसिबल, और गिव मी अ 5-day रोल, बट आई ट्राई माई बेस्ट, आई कीप ऑन वर्किंग राउंड द क्लॉक होपिंग टू मेक मोर फिल्म्स, बट इट्स इम्पॉसिबल। आई रियली वॉन्ट टू डू लॉट ऑफ मोर फिल्म्स, मेक एवरीवन हैप्पी, डिफरेंट काइंड ऑफ फिल्म्स, ऑल ऑफ अस आई एम श्योर, बट थोड़ा प्रोफेशनलिज्म आना बहुत जरूरी है फिल्म इंडस्ट्री में, और उसके लिए मुझे लगता है I think the most important part is actors, directors, producers, technicians do one film at a time. It will make our film industry a much better place. I think internationally also we'll gain a lot more. If you just complete one film, take a little break, get into the next character, next film with the next director and then go on. Ye 4-5 filmon karne ka jo hai thoda system purana ho gaya hai. Viva, aap bahut chhod kuch bolo. Uske baad mic hi nahi diya hai. We've had such a happy experience during Happy New Year. It's given us so, all so much happiness. वो सब लोग बोल चुके हैं, कुछ अलग बोल रहे हैं, सब बोल चुके हैं। नहीं, मैं वो ही बोल रहा था कि I've always said that the special thing about Shah sir and Farah ma'am is that they can bring a smile to anyone's faces. Everybody can. But of course, everyone. No, but I'm saying in particular, Shah sir. In particular, Shah sir and Farah ma'am can bring a smile to anyone's face. You know, even when on shoot. But all of us, I'm saying in particularly, mainly.
Okay, everybody, everybody. Baman sir, Farah ma'am, Shah sir. Baman sir, Farah ma'am, Shah sir, Deepika, Abhishek and Sonu. All of us, everybody can bring happiness and bring a smile to everyone's face. So I really think that this film will bring a smile to all your faces. That's why we don't give him the mic. Thank you. I think I've said what I've had to say, and I think everything else will be taken care of. You know, I'll just say, we'll not make this into a conversation piece. I think what she has, we are actors, we are professionals, and you know, you're always going to be in a situation where sometime or the other things are going to be a little different because you're photographed so much. And I think what she said is wonderful. It's fantastic. We all believe in it. Maybe we all the men here, and I speak for all of us, Vivan, Baman sir, myself, Abhishek and Sonu, maybe we've not had the guts to do what she's done, but we believe in it and we support it. But we should not trivialize it. I think for you girls, all the girls sitting here, all the girls everywhere, I think it's an important aspect that we have to respect it. We have to, empowerment and all is a different issue, but we just need to respect each other's individuality and the job we do. And I think, you know, I think what she said is fantastic. And we all, I mean, it's stupid of us to even sit down here and talk about, we stand by it. We have to stand by it. All of us here have to stand by it. And it's amazingly respectful that all of you, whatever I've read, whatever I've heard, because we've all been very busy working here around the clock, all of you, whatever you've said, is fantastic. That you stand by something which is kind of wrong. And you know, if you can write it, it'll be wonderful. It's not going to stop. It'll continue. But we should not trivialize it. We should not make it a part of conversation and talk about it. I think it's an important aspect, and we all love her for having done this. And God bless her. Thank you. Sorry, I couldn't hear you. I love the way your voice goes out here. She's the same girl whose voice I'm loving. Are you from Times now? The controversial question will start now. Right now, Times now should not be doing no shit. Okay, what do you want to ask, Ali? I'm going to make you say this 5 times. So your voice completely goes till I can't hear you. Say it again. What do you want to know? Just tell me again. Just keep on saying it. Okay. Well, the marketing and all is part of the production. Whenever it is done, we will do it. And we'll only be happy to be going wherever we're invited, whatever we have to do. I think everybody is very courteous, very gracious. So is Salman Bhai. And so we love this, that he thought that we should come there. If we have the time and if we have the scope in our marketing thought with Manvi and Manish and everyone, most certainly we'll go there. But if you don't have it, please don't take it personally and wrong that we avoided it. It just needs to be done when it needs to be done. And if our timings and everything match, and I think it's very gracious of Big Boss, Salman and everyone to talk about our film, talk about Farah's film, talk about our film, and say it's so wonderful, and it's really sweet of everyone.